स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 5 सितंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। इसराइल के गजा की रिहायशी इमारत व कॉलेजों पर बमबारी जारी, मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद। गजा की आवाम के लिए कुनूत नाजिला का अहतमाम करने फलस्तीनी उलमा कौंसिल ने की दुनिया से अपील। कत्लेआम के लिए अमेरिका ने नेतन्याहू को दे रखी है छूट। हमास रहनुमा उसामा हमदान का बयान, कहा कैदियों के तबादले से मुतालिक नई अमेरिकी शर्त, इसराइल को कत्लेआम करने वक्त देने का बहाना। गजा में इसराइली जारहियत और जंग बंदी पर गौर करने अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास, कौंसिल सदर ने किया खबरदार, कहा जल्द ना हुई जंग बंदी तो कौंसिल करेगा मुमकिन कार्रवाई। स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास पर पाबंदी की क़ानून को दी मंजूरी। पाबंदी क़ानून के मसूदे में हमास को करार दिया गया दहशतगर्द तंजीम। मिस्री सदर का दौरा तुर्किया, तुर्क सदर एर्दोगान से की मुलाकात। एर्दोगान ने कहा गजा में जंग का खात्मा अवलीन तरजीह, फलस्तीन पर हमारा यकसा मौक़िफ़। नॉर्थ कोरिया में मौसम गर्मा में आया सैलाब तो डिक्टेटर किम जोंग उन ने जिम्मेदारों के खिलाफ की कार्रवाई। गवर्नर, पुलिस चीफ, पार्टी सिक्योरिटी व दीगर मिनिस्टर समेत 30 अहलकारों को सजाए मौत का दिया हुक्म। सऊदी अरब के बाज़ इलाकों में आइंदा इतवार तक गरज व चमक के साथ शदीद बारिशों का सिलसिला रहेगा जारी। सऊदी मौसमियात ने शहरियों को एहतियात का दिया मशवरा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की बहन शहजादी लतीफ़ा बिनते अब्दुल अजीज़ अल सऊद का हुआ इंतकाल। शहजादी की नमाज जनाजा में सऊदी वली अहद समेत कई शहजादों ने की शिरकत। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया की हाई स्कूल में 14 साल लड़के ने कर दी फायरिंग। फायरिंग में 2 साथी स्टूडेंट और 2 टीचर हलाक, दीगर 9 अफराद जख्मी। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में नया मोड़, मुतवफ़िया के वालिदैन ने लगाया संगीन इल्ज़ाम, कहा पुलिस ने उन्हें पैसे देकर रिश्वत देने की थी कोशिश। कर्नाटक के उदीपी कॉलेज में जिस प्रिंसिपल ने किया हिजाब को बैन, उसी को कांग्रेस हुकूमत दे रही थी अवार्ड। अवामी एहतजाज के आगे घुटने टेकते हुए हुकूमत ने प्रिंसिपल के अवार्ड को रोक दिया। हरियाणा में मुस्लिम गाय स्मगलर समझकर आर्यन को गौरक्षकों ने कर दिया कत्ल। गमजदा आर्यन की मां का जज्बाती बयान वायरल, गुंडों से पूछा क्या मुसलमान इंसान नहीं, मुसलमानों को क्यों मारोगे। लखनऊ से बीमार शौहर को ले जा रही एक खातून के साथ एम्बुलेंस में छेड़छाड़, शौहर का हटा दिया लाइफ सपोर्ट। अखिलेश यादव सख्त बरहम, पूछा यूपी में कोई हुकूमत है या नहीं। सितंबर से मुल्क में कास्ट सेंसस के साथ साथ एनपीआर और एनआरसी भी कराना चाहती है मोदी हुकूमत। असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा इसके संगीन नताइज होंगे बरामद। शिमला में मस्जिद संजौली के बाहर मुजाहरा, गैर कानूनी बताकर मुनहदम करने का आवाम का मुतालबा। मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर भी उठाए सवाल, असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्दअमल। दर्ज किया कांग्रेसी चादर ओढ़कर आती है फिरका परस्ती। महाराष्ट्र में ट्रेन में बीफ के नाम पर मारपीट का शिकार हुए बुजुर्ग अशरफ अली से कांग्रेस लीडर इमरान प्रताप घड़ी ने की मुलाकात, हर मुमकिन मदद का दिया यकीन। हरियाणा असेंबली इलेक्शन, बीजेपी की 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। लिस्ट के बाद बीजेपी में बगावत, टिकट ना मिलने पर 5 बड़े लीडर्स बीजेपी से मुस्तफी। बेंगलोर में दिन दहाड़े एक ऑटो ड्राइवर ने 2 लड़कियों के साथ की बदतमीजी, एक को मारा थप्पड़, राइड कैंसिल करने पर भड़क गया था ऑटो ड्राइवर। तेलुगुदेशम पार्टी एमएलए के आदिमुलू पर टीडीपी खातून वर्कर ने लगाया इस्मत रेजी का इल्जाम, जिनसी हरासानी का वीडियो सोशल मीडिया पर लीक, एमएलए पार्टी से मुअत्तल। तेलंगाना के भद्रादरी कोतागुड़म में नक्सलाइट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बड़े पैमाने पर फायरिंग का तबादला, एक बड़े नक्सल लीडर समेत 6 नक्सलाइट्स हलाक। हैदराबाद में ग्लोबल एआई समिट का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह, एआई सिटी लोगो जारी। सीएम ने कहा हुकूमत एआई के इस्तेमाल तहकीक को फरोग देने के लिए पुरअज़्म।
तेलंगाना में बारिश व सैलाब की तबाहकारियां, साबिक सीएम व बीआरएस सरबराह केसीआर का इजहार तशवीश, तमाम पार्टी एमएलएस एमएलसीज व एमपीज की एक माह की तनख्वाह बारिश मुतासरीन को कर दी अतिया। यह खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जा रही है कि बीबीएन चैनल के बेबाक रिपोर्टर रब्बानी का कल रात अचानक हार्ट अटैक की वजह हुआ इंतकाल। आज बाद नमाज जहर इहाते भैंसा दरगाह शरीफ कब्रिस्तान में की गई तदफीन। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक शदीद मौसलाधार बारिश का इम्कान। 9 सितंबर तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की तवक्कु, अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत में 600 रुपये का इजाफा, कीमत 76,000 रुपये जबकि 22 कैरेट सोना 67,700 रुपये फी 10 ग्राम, प्योर चांदी 850 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शिफा क्लिनिक, दौरे हाजिर के मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत। शुगर चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, शुगर का इलाज मुमकिन है। आपका इंसुलिन भी छूट सकता है, किडनी प्रॉब्लम भी होगा कंट्रोल, डायलिसिस करवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। एक बार राब्ता करके देखिए। शुगर और बीपी के लिए लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी पड़ेगी दवाई। डायबिटिक फूड, शुगर के जख्म और दीगर स्किन इन्फेक्शन का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखिर किए बगैर डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। गारंटी ट्रीटमेंट। शिफा क्लिनिक, कुकटपल्ली और टोली चौक।